सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धनुष की मां विजयलक्ष्मी ने अभिनेता शरद कुमार के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने शिकायत की है कि शरद कुमार ने चेन्नई के त्यागराजा नगर स्थित उनके अपार्टमेंट के ऊपरी मंजिल का अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक उपयोग किया है, जो कि सभी निवासियों के लिए सामान्य क्षेत्र है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब विजयलक्ष्मी और अन्य निवासियों की शिकायत को चेन्नई कॉरपोरेशन प्रबंधन ने सही से नहीं सुना, जिसके बाद यह मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल फिल्मी दुनिया में बल्कि आम लोगों में भी खासी चर्चा बटोरी। इस मामले में कई सवाल उठते हैं, क्या शरद कुमार ने वास्तव में नियमों का उल्लंघन किया है? अगर हाँ, तो यह किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां हैं जो उन्होंने उस स्थान पर शुरू किए? इस विवाद का धनुष और शरद कुमार के बीच व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह मामला केवल एक कानूनी लड़ाई तक सीमित रहेगा या इससे राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी जुड़ेंगे? आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। धनुष की मां विजयलक्ष्मी और उनके पति चेन्नई के त्यागराजा नगर स्थित एक अपार्टमेंट में रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शरद कुमार ने उसे अपार्टमेंट के ऊपरी मंजिल का अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक उपयोग किया है, जो कि सभी निवासियों के लिए सामान्य क्षेत्र है। इस मामले को लेकर विजयलक्ष्मी और अन्य निवासियों ने चेन्नई कॉरपोरेशन प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत को सही से सुना नहीं गया। इसके बाद विजयलक्ष्मी ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई 5 जून को हुई, जिसमें कोर्ट ने शरद कुमार से जवाब देने के लिए कहा है। धनुष और शरद कुमार ने कभी भी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया है, लेकिन 2015 में धनुष ने शरद कुमार की पत्नी के साथ तमिल फिल्म थंगा मगन में स्क्रीन शेयर की थी। धनुष की आगामी फिल्म रायन एक गैंगस्टर ड्रामा है, जो उत्तर चेन्नई की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस फिल्म का उनके करियर में खास महत्व है, क्योंकि यह उनकी 50वीं फिल्म है, जिसमें वह अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में शामिल है। फिल्म की शूटिंग दिसंबर में पूरी हो चुकी है और यह अब पोस्ट प्रोडक्शन चरण में है। फिल्म का म्यूजिक लॉन्च एक भव्य कार्यक्रम के तहत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित करने की योजना है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आपराधिक घोषणा नहीं हुई है। रायन को पहले 13 जून 2024 रिलीज किया जाना था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के कारण अब इसे जुलाई में रिलीज किया जाएगा। धनुष की आगामी परियोजनाओं में शेखर कमुला की कुबेरा, मारी सेल्वराज की दीप बावन और अरुण मथेश्वरन की लयराजा बायोपिक शामिल है। इसके अलावा वह एक आगामी परियोजना नीलाविकु अनमेलन एंड दी कोबम यानी कि नीक का निर्देशन भी करेंगे। आपको बता दें कि धनुष की मां विजयलक्ष्मी द्वारा शरद कुमार के खिलाफ शिकायत का मामला कई महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव भी गहरे हो सकते हैं। यह मामला एक कानूनी मुद्रा है, जिसमें सार्वजनिक स्थान का अनाधिकृत व्यावसायिक उपयोग शामिल है। विजयलक्ष्मी और अन्य निवासियों ने आरोप लगाया है कि शरद कुमार ने उस स्थान का व्यावसायिक उपयोग किया है, जो सभी निवासियों के लिए सामान्य है। यह न केवल अपार्टमेंट का नियमावली का उल्लंघन है, बल्कि अन्य निवासियों के अधिकारों का भी हनन है। चेन्नई कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा सही से सुनवाई न होने के बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया, जहां कोर्ट ने शरद कुमार से जवाब मांगा है। इस मामले का धनुष और शरद कुमार के बीच व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि धनुष और शरद कुमार ने कभी एक साथ काम नहीं किया है, लेकिन इस मामले का विवाद उनकी व्यक्तिगत छवि और रिश्तों पर असर डाल सकता है। इस विवाद का व्यापक सामाजिक प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि यह मामला एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया है और इससे जुड़े लोगों की छवि पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि तमिल सिनेमा में ऐसे विवाद पहले भी देखे गए हैं। फिल्मी दुनिया में प्रसिद्ध हस्तियों के बीच कानूनी और व्यक्तिगत विवादों का इतिहास पुराना है। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक होता है, जिससे कानूनी प्रणाली पर जनता का विश्वास बना रहता है, जहां इस विवाद का सबसे बड़ा प्रभाव शरद कुमार की छवि पर पड़े। यदि उन पर लगे आरोप साबित होते हैं, तो यह उनके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकता है।
इसके साथ ही धनुष की मां विजयलक्ष्मी और अन्य निवासियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जीत होगी जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरह धनुष की मां विजयलक्ष्मी द्वारा शरद कुमार के खिलाफ उठाया गया यह कदम तमिल सिनेमा और कानूनी प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव भी गहरा हो सकता है। इस विवाद का निष्कर्ष आने वाले समय में तमिल सिनेमा और संबंधित हस्तियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में हो सकता है इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एंड न्यूज। नमस्कार।